ओ यहीं पे दुकान लगा ला घर के बाहर है, ओ घर के बाहर दुकान लगा लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी जो है घड़ी लगा दी है इसके ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो अभी मैं और रुआ है धूप में ऊपर। सिंचैन भी देखो नहीं खेल रहा है। तो अभी यहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे और यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। और आज हमें जाना है मार्केट कुछ सामान लेके आने शादी के। मम्मी ने पूरी लिस्ट बना के दे दी है खाने पीने का, क्या क्या सामान है वो लेके आने। आज रूरू को नहीं लेके जा रहे तुम्हें सामान लेके। आज बहुत सारे बहुत काम है ना। तो अभी हमने घर का सारा सामान ले लिया है और लगभग 10,000 रुपए फूक चुके हैं, जिनका कोई अंदाजा हमने जोड़ घटाना कहीं नहीं लगाया था। मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं निकल के आ रहे हैं नए। एक्चुअली क्या है, सामान है कि घर में भी तो लोग आएंगे ना शादी से कुछ पहले, तो घर का राशन वासन उस हिसाब से लाना पड़ता है। और सारी चीजें होती है छोटी मोटी, तो वो सब चुटपुटर। और अभी प्रिया भी आई है, पता नहीं प्रिया को क्या करवाना था अपने बालों में, पता नहीं किस चीज के लिए। अभी हमने स्ट्रेटनिंग कराने तो हेयर वॉश कराने गई थी, वो उसका हो गया है, हमारा काम भी हो गया है, रूरू भी खेल रहा होगा। तो आज से हमारी रेल बनने वाली है क्योंकि प्रिया की शादी बिल्कुल नजदीक आने वाली है। आपको पता है फरवरी में शादी है, तो आप खुद सोचो कि अब तो महीना गया समझो। डेली काम है बहुत सारे, वो भी नहीं है। अब दवा अब तुम तैयार हो जाओ ये ड्राइविंग के लिए रोज। हाँ ठीक कर लो। यहाँ पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, एग्जॉस्ट हो रखा है, सारा दिन फोन चलाते ना लोग, बैठ कर उनका कैसे होता है। वाह 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 वाह, फोन चलाने से भी दर्द होगा। वाह तुमने यही पढ़ा है, तुमने यही पढ़ा है। मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा कि एक आदमी जो एक हाथ से ज्यादा काम करता है। मैं ज्यादातर अपने सारे काम जैसे खाना खाना, ये गाड़ी चलाना, जो भी ज्यादातर मैं काम इसी हाथ से करता हूँ। तो ये सारा दिन फोन चलाता है एक हाथ में बैठ के, इसका हाथ सिर्फ ऐसे रहता है पूरे दिन। वा, वा, और उसमें पता नहीं क्या रिसर्च करता रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी बेफालतू फोन चलाता है, लेकिन सारा दिन चलाता है, उसी की वजह से हो रहा है। मैं एडिटिंग भी एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने हाथ को। एडिटिंग भी करता हूँ मैं, ब्लॉगिंग भी। मानेगा नहीं पर ये सच्चाई है। खुश हो जाए तो खुश हो जाए, फिर पकड़ लिया उसी हाथ में। तो मैं बोलता हूँ मैं इसी हाथ से ब्लॉगिंग भी इसी हाथ से करता हूँ, और क्या कहते हैं एडिटिंग भी इसी हाथ से करता हूँ, इसलिए और ड्राइविंग भी इसी हाथ से, मतलब इस हाथ से करता हूँ ज्यादातर। तो मैंने आज अपने हैंडल को भी देखा, ये जो हैंडल है इस साइड से थोड़ा सा ज्यादा घिस गया है, मतलब चिकना हो गया, क्योंकि मैं इस साइड से जो है हैंडल को पकड़ता हूँ। तो ठीक है, अब थोड़ी सी मैंने आदत डाला हूँ इस हाथ से ड्राइव करने का, इस हाथ से ब्लॉक करने का। वही ऐसा क्यों नहीं, वो है क्यों नहीं भाई, है क्यों नहीं ये सोच लो। जब तुम, मैं मम्मी कह रही थी बांध ली से तुझे फिर याद ही नहीं रहेगा तेरा ये वाला हाथ है। चलो अभी प्रिया को लेते हैं फिर घर पहुँचते हैं। तो अभी मैंने टोयोटा में फोन करके बोल दिया है जो भैया भैया थे कि जो गाड़ी आएगी हम जो लेने वाले हाइलक्स, वो अब हम ऑटोमेटिक में लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि हम जो है मैनुअल में लेंगे, पर मैंने बोल दिया कि भैया ऑटोमेटिक कर दो अपनी बुक, ऑटोमेटिक ही लेंगे। और कलर कौन सा है वो तो जब आएगा, जब भी आपको पता चलेगा। बाकी मैंने ये भी बोल दिया कि जो भी गाड़ी है, नहीं जो भी गाड़ी आएगी ना, चाहे फिर वो मैनुअल आए चाहे फिर ऑटोमेटिक आए, जो भी आपके पास पहली गाड़ी आएगी वही ले लेंगे हम, ठीक है। पर ऑप्शन हमारी जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस है हमारी कि ऑटोमेटिक आ जाए, वही बढ़िया है ना। पहले मैनुअल थी, अभी ऑटोमेटिक थी, कलर तो खैर एक ही है पहले से ही। जब तक गाड़ी नहीं आती जब तक आप इन पे भरोसा ना करें, चेंज एनी टाइम। नहीं भाई गाड़ी आई जाएगी, बस अब क्या करें, मार्च में इन्होंने रख दी, नहीं तो हम तो ले लेते जल्दी। अब ठीक है वेट करते हैं मार्च तक। परसों रात ही रात में 2 बजे डिस्कशन हो रहा था फॉर्च्यूनर ले कि हाइलक्स ले, टिको पहले वो थोड़ा सा वही ना, जब तक आएगी नहीं तो दिमाग में घूमता रहेगा कुछ तो आ जाए। फॉर्च्यूनर थोड़ा जल्दी आ सकती थी, पर अब ठीक है हाइलक्स ही लेंगे और कुछ डिफरेंस करते हैं। वो ये डिफरेंट करते भी, साथ ही साथ ये भी कि हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है वो गाड़ी, प्रैक्टिकल गाड़ी है, नहीं तो ठीक है मस्त हम किचन सेटअप करवा सकते हैं ना, किचन सेटअप करवा सकते हैं, सही बात है। चलो अभी तो बस घर ही आ गए और सब सब्जी हमें ले ली, सारा सामान ले लिया। और आज हमें जो है केक लेके आना था, केक लाना भूल गए क्योंकि आज रूरू का जन्मदिन है। आज रूरू 11 महीने की हो गई और जो है आपको पता ही, अब तो भाई बोलने लगे 11 साल की हो गई है, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा था, तुम्हें मुझे एक रियल दिखा रहे थे, 5 महीने नहीं 5 साल जैसा लग रहा है। वो ऐसा लगता है ना कि बच्चे के साथ, मतलब पता नहीं,
ठीक है, तो अभी 11 महीने में वो ऐसा लग रहा है कि सबके कितने करीब एकदम आ गई है कि भाई रूरू के बिना, मतलब सोचते भी तो रूरू अभी एकदम से दिमाग में आती है, रूरू भी है एक फैमिली मेंबर 11 महीने में ऐसा हो गया, पता नहीं कब से तुम्हारी फैमिली में, ठीक है उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सो वही है, अभी उसका केक लाना भूल गए, तो केक जो है ऑनलाइन फिर यहाँ से मंगा लेंगे, यहाँ से जोमेटो वगैरह से। शादी के बाद दादी को करना, मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। अब एक काम करो, ये सारा का सारा सामान तुम दोनों घर जो है घर में पहुंचा दो, ठीक है? तुम बाहर निकलो, छोड़ ले, तुम घर में नहीं हो ना, तुम घर में नहीं हो, तुम बाहर निकलो, हम घर में पहुंचा देंगे। अब ये बाल दिख रहे हैं, ये फिर मैं यहाँ से मोड़ दूंगा, फिर रोएगी। मुझे अब कुछ नहीं सकता, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तो ना मैं करके देखूं, काटने कूटने से थोड़ी कम है। चलो लाइए मुझे दे दे। हां बहुत मेरे को मैं उठा सकता हूं। नहीं मैं टूटने वाला सामान है ना, गिर गया तो हमारा नुकसान है। यहीं पे दुकान लगा ले घर के बाहर। हैं ओ घर के बाहर दुकान लगा देते हैं। लो पालक साथ में गोल गोल सेब बिस्किट भी। वाह वाह वाह, गोल गोल सेब। मैं घंटी तो बजा दे। बादाम जैसे कट्टे में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ले लो सब ले लो। सुन यहीं बैठ जा, यहीं पे माइक ले आता हूं मैं चिल्लाने के लिए। क्या कह रही है? देखो देखो क्या कह रही है। इस घर में कोई सो सकता है तो यहाँ पे सोती रहती है, हम ये काम कर रहे हैं। तेरा सर में दर्द ही रहता है, कभी जलेबी खाती है कभी सर में दर्द रहता है। ये सामान उठा के लिया, ये है मेरे कपड़े, देखो ट्राई करके कैसे हैं। ओ भाई वो पैंट पैंट हो गया भाई। तो भाई मेरी ड्रेस फाइनल हो चुकी है और अभी मैं सिर्फ ये रिवील कर सकता हूँ, ये पैंट है उसके साथ। ऊपर वाला ये नहीं है, ऊपर वाला कुछ और है, वो बाद में दिखाएंगे, उसी दिन दिखाएंगे ना, उसी दिन दिखाएंगे। अभी शैम्पू भी अपने ट्राई कर रहा है, शैम्पू का भी दिखाएंगे नहीं, पर दिखाएंगे नहीं इधर इधर भाई, अभी दिखाएंगे नहीं, ठीक है भाई। अगर ये डिसाइड होगा तो अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी किसी कपड़े रिवील नहीं किए जाएंगे, कपड़े रिवील होंगे उसी दिन, क्योंकि उसी दिन भाई स्मार्ट निकल के आएगा सबसे बढ़िया एकदम, ऐसे ऐसे चल के आऊंगा चश्मा लगा के एकदम जितना कुछ हो रहा है सही है ना, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ अच्छा लग रहा है, मोटा पहन रखा है। अच्छा दिखा दूँ क्या? नहीं नहीं दिखा। फिर शैम्पू में गए यार मेरे कपड़े रिवील कर दिए। सो गाइस ये मैंने अभी किया है नया जुगाड़, और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फोन के बैक कैमरे से, और कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कैमरे से। सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ ऐसे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने अपनी जो है घड़ी लगा दी है इसके ऊपर, और बैक कैमरा आ रहा है और मैं अपने आपको देख भी सकता हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से आप रिकॉर्ड करते हैं तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती ना, तो बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे हम देख भी सकते हैं अपने आपको। तो ये जुगाड़ है जो कि मैंने अभी अभी निकाला है, और बड़ा सही लग रहा है यार, ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा, मुझे अभी नहीं पता था, है ना, अभी मैंने सोच लिया है। तो तुम भागे जाते हो तो ज्यादा उसी टाइम पे, तो उस टाइम पे फ्रेम कर सकता हूँ अपने उसको कि कितने लोग आ रहे हैं, जैसे शैम्पू आ रहा है क्या आ रहा है, शैम्पू क्या कर रहा है पीछे, वो सब चीजें मैं देख सकता हूँ इसमें। और साथ ही साथ देखती हूँ इसमें फोकस भी हम सेट कर सकते हैं ना, हाँ ये फोकस भी सेट कर सकते हैं। वो आ रहा है अपोजिट आ रहा है, मैं अगर इधर से आ रहा हूँ तो उसमें लग रहा है कि वो तो उसमें भी आ रहा है, वो चेंज कर सकते, ठीक है। तो बढ़िया जुगाड़ है, चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर रूरू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। 11 महीने की हो गई हूँ मैं, बढ़िया। 11 महीने की बुढ़ी औरत। चलो ये कह रही जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करो फिर केक काटना है। भाई ये क्यों खा रहा तू ये? तू तो भी एक्सरसाइज करके आया था। बल्किंग पे हूँ। वाह प्रोटीन के साथ केक खा रहा, वाह भाई वाह, ये खतरनाक बल्किंग है तुम्हारी भाई। क्या हुआ अपना केक पीछे क्यों छिपा रही है भाई?
अरे खा लो यार, मैं भी खा रहा हूँ आज, कोई बात नहीं, तुम भी खा लो। हमने पिछले दो बर्थडे पे नहीं खाया है, मुझे नहीं पता ऐसा कोई। मैंने तो खाया, इन्होंने खाया, मैं तो खाता हूँ, है ना भाई, हम तो खाते हैं। मैंने उनको सारे बर्थडे पे खाया, तू तो खैर खाता है, मैंने एक पे नहीं खाया, एक पे सिर्फ। हाँ तो आज हम आए थे सिमरन, मम्मी और रोरू और प्रिया, आज हम आए थे बाहर कुछ खाने, क्योंकि मम्मी बहुत कम आती हैं, ऐसा बहुत कम होता है। छाया घर पर रुकी और हम सब बाहर आए हैं। अभी बाबा है ना, तो बाबा की वजह से एक जना घर पर रुकना पड़ता है और बाबा आ नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो खाट से उनका तो मतलब उठना ही बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए उनका बहुत दिक्कत रहती है इस टाइम पे, तो इसलिए अब एक एक करके लोग आते हैं। आज चल रहा भैया फुल चीट डे है, दवा के टोस्ट पोस्ट दूध बूध सब। एक महीने बाद दूध टेस्ट करा भाई। हाँ मैंने भी दूध भी, और ये ऐसे चीज़ें टोस्ट पोस्ट नहीं, क्या क्या खा रहे हैं आज। तो आज हम डोसा खाने गए थे, पर वहाँ पे छाया के लिए भी जो है डोसा पैक करा के लाना था, पर 10 बजे गए थे, तो 10 बजे के बाद लग जाता लॉकडाउन, तो भैया उसके लिए फिर डोसा मिला नहीं, पर ऑनलाइन जो है आप ऑर्डर कर सकते हो, फिर हमने यहाँ आके ऑनलाइन ऑर्डर किया उसके लिए, और नहीं मैं बता रहा हूँ, तो अभी जो है अब जाके उसका डोसा जो है घर के बाहर आया, फोन आ चुका है, तो भैया बाहर से अपना डोसा लेते हैं, बाहर खड़ा है बाहर। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, देखता हूँ। लीजिए डोसा खाइए डोसा। खुद तो खा के आ गए, पागल है, डोसा भी नहीं, डोसा मैंने बिल्कुल भी डेढ़ डोसा नहीं खाया। हाँ और उसने बिल्कुल भी दो डोसे नहीं खाए, और उसने बिल्कुल भी दो डोसे नहीं खाए, मैंने कहा दो खाए, अच्छा डेढ़ खाया, हाँ डेढ़ बिल्कुल भी नहीं खाया हमने, और अब खाना पड़ रहा है यार, डेढ़ खाया ही नहीं, ये भी नहीं खा रहा मैं, ये नहीं खा रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं खा रही है। पापा पापा वाह वाह वाह, नहीं पापा पापा बोलो, वाह 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 बोलती रहती हो, ये कोई लैंग्वेज होती है, हैं कौन समझेगा इस लैंग्वेज को भाई, क्या है ये, वाह 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 वाह, पापा बोलो, पापा बोलो बोलो भाई बोलो।